हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज बताऊंगी कि आफ्टर डिलीवरी, स्पेशली मैं आफ्टर डिलीवरी के बाद पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि जो मेरे साथ अभी पर्सनल एक्सपीरियंस चल रहा है, मैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि उससे पहले आई डोंट थिंक कि इतना कुछ प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो भी वुमेंस होती है आफ्टर डिलीवरी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है रिलेटेड टू बेबी केयर, पीरियड्स। देर स्पेशली बेबी के साथ अगर आपको पीरियड में जो मैनेज करना पड़ता है, वो बहुत दिक्कत देता है शुरुआत में, या फिर शुरुआत में क्या 1 साल तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इट्स बेटर कि आपको नॉलेज हो कि आपको किस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं अच्छी रहेगी। सो मैं आज आपको वो बताऊँगी कि आफ्टर मतलब डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं, उसमें आप कौन सा पैड यूज़ करें, या फिर मतलब साइज़ क्या होना चाहिए पैड का जो कि कंफर्टेबल हो आपको। आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। ये है पैकेट, एज यू कैन सी इट्स विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट, और ये है एक्स्ट्रा लार्ज प्लस। जो मैं पहले मतलब डिलीवरी से पहले यूज़ करती थी वो ये था, ये था, ये भी वही सेम है, विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट एक्स्ट्रा लार्ज 50 पैक्स थे इसमें। इसका कॉस्ट पड़ा था आई थिंक 256 समथिंग, और इसका भी वैसा ही कुछ रेट है। रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइज़ में डिफरेंस है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है जो कि हेल्पफुल हो। क्योंकि मैं भी सर्च कर रही थी जस्ट थोड़े दिन पहले कि मतलब ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद आपको जो साइज़ होता है पैड का, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अभी जो मेरी डिलीवरी हुई थी वो मई में हुई थी, तो ऑलमोस्ट 9 मंथ होने वाले हैं, अभी 10 को 9 मंथ हो जाएंगे। तो जब मैं वहाँ पे थी, तो जो हॉस्पिटल में लोगों ने यूज़ करा था वो ये था, ये दिस इज़ सोफी एंटी बैक्टीरियल 99.9% ये था आई थिंक उनका पैड, और ये था एक्स्ट्रा लॉन्ग। तो जब डिलीवरी हुई थी तो उसकी ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा दूंगी कि साइज़ में कितने वेरिएशंस हैं। जब मुझे डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी के नेक्स्ट मतलब जो डिलीवरी का जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो भी पैड वो यूज़ करते हैं, उन्हें एक साथ दो पैड यूज़ करते, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेंथ होती है वो शायद छोटी थी कि क्या थी मुझे नहीं पता, और अभी भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मैं डबल ही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन डबल का मतलब ये नहीं कि वो एक पे एक रहता है, ऐसा नहीं होता। वो थोड़ा मतलब कि उसके साइज़ बढ़ाने के चक्कर में डबल यूज़ करना पड़ता है। हॉस्पिटल में मुझे ये पैड यूज़ करवाया गया था। ये थोड़ा जो इसका मटेरियल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है, फिर मैं उसको उसका भी बता दूँगी। ऑब्वियसली ये तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि ओपन हो गया ये, और अभी तो ऐसा कोई सीन है नहीं कि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ, एटलीस्ट अभी तक का तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि जस्ट थोड़ी दिन पहले मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए हैं। जो इसका साइज़ है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन फॉर द बेटर रिजल्ट आपको इससे थोड़ा बड़ा साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे को जो फीड करा रहे हैं, बहुत ऑब्वियसली ये नहीं होता कि डिलीवरी के बाद आपको सिर्फ, अगर आपके घर में हाउस हेल्पर या फिर कोई भी लगी है तो वो सिर्फ और चीज़ों के लिए लगी होगी, या फिर क्या पता कुछ लोगों के घर में बच्चों के लिए भी लगती है। भाई मेरे घर में मैंने अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी काम मैं किसी और से नहीं करवाती हूँ, खुद से ही कर रही हूँ। मुझे ट्रस्ट नहीं एक्चुअली किसी पे कि वो कितना अच्छा केयर करेंगे, क्या केयर नहीं करेंगे। जो मुझे प्रॉब्लम फेस होती है वो ये होती है कि जब आप बच्चे के साथ इतना ज़्यादा बिजी होते हो, तो आपको एक ऐसा पैड चाहिए जो कि बार बार आपको जाके चेक करने की जरूरत ना पड़े कि क्या लीकेज हो ना जाए इस वजह से। यहाँ पे क्या होता है कि डबल पैड लगा देते हैं लोग, यहाँ से फिर यहाँ से एक पैड यहाँ पे रहता है, एक पैड इसके आगे रहता है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दूंगी। ये रहा, इसका मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा मोटा है, मे बी शायद डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी वो लोग यूज़ करते होंगे। मैं आपको इसका बाद में बताती हूँ। और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो मुझे कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगा ये, थोड़ा मैं मुझे नहीं पसंद है, मुझे बस सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े अच्छे लगते हैं। और ये जो मुझे वहाँ पर मिला था, जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है। तो ये दिस इज डिस्पोजेबल पैंटीज, देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रेचेबल होती हैं। तो ऑब्वियसली जब हॉस्पिटल में आप रहते हो तो आपको इस तरीके की चीज़ें ही दी जाएगी। फिर मैंने घर पे आके कुछ यूज़ करने का सोचा, लेकिन फिर पता नहीं मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये यूज़ करना, तो फिर एज इट इज़ ये रखे हुए हैं।
पता नहीं कितने होंगे, मुझे तीन है, तीन होंगे शायद। ये मुझे हॉस्पिटल से, जब मैं डिस्चार्ज हो रहा था मेरा, तो हॉस्पिटल से लोगों ने पैड और जो भी चीज़ मुझे यूज़ हुई थी डिलीवरी के टाइम में, उन्होंने सब कुछ मुझे वापस एज इट इज़ दे दिया था कि आप ले जाइए और आप यूज़ करिए। वो उन्हें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने चार्जेस लिए थे उस चीज़ के। सो दिस इज पैड, मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो मैं इस पैड के बारे में आपको बता रही हूँ कि जो ये यूज़ हो रहा था, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो ये आता है, ये एक ऐसे टेप के साथ आता है कि आपको इसे डिस्पोज करने में कोई दिक्कत ना हो। सो मेरे को इस पैड के साथ क्या डिफरेंस पड़ा था कि इसकी लेंथ को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली आप बच्चे के साथ फीड कराते हो, उसको खाना खिलाते हो, कुछ भी करते हो, तो ऑब्वियसली आपको ऐसा सपोर्ट चाहिए कि आपको बार बार उठ के चेक ना करना पड़े, सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं दिखा देती हूँ कि इन दोनों का लेंथ कितना है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट बराबर है। ये देखिए, ये इसके पीछे है, ये रहा इसके पीछे है। तो जो इनकी लेंथ है ऑलमोस्ट बराबर है दोनों की। और मैं बताती हूँ जो डबल पैड यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। ये एक फर्स्ट पैड है नीचे, और आपको उसके ऊपर ही डाल देना है। तो जो इसकी एक्स्ट्रा लॉन्ग जो लेयर है, ये आपको प्रोटेक्शन देती है लीकेज से। सो आप जितना लंबा कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। सो लेकिन मुझे ऐसा फील हो कि इट्स नॉट कम्फर्टेबल दो दो यूज़ करना, मुझसे नहीं यूज़ हो रहा था दो। तो मैं कोटेक्स का ओवरनाइट पैंटी होता है वो यूज़ कर रही थी शुरुआत के 2 डेज़। तो मैं उसे पक्का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है। और मैंने अपने गायनोलॉजिस्ट से पूछा तो उन्होंने कहा है कि 1 साल तक एटलीस्ट जो हार्मोन्स होते हैं अभी जो मदर के बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं, तो उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके हिसाब से 3 to 4 डेज़ की पीरियड्स इट्स वेरी नॉर्मल। बट मेरे लिए वो हैवी है, क्योंकि मेरे को कभी हुई नहीं डिलीवरी से पहले, सो मेरे लिए वो हैवी है। सो मैं आपको बताऊँगी कि अब मैंने ये चीज़ खरीदी क्यों थी। ये इसमें था एक्स्ट्रा लार्ज पैड 50 का, फिर मैंने अभी ये अमेजोन से ऑर्डर करा था, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज प्लस ऑर्डर करा है। आई होप कि मुझे जिस चीज़ की वजह से मैंने इसे ऑर्डर करा था, साइज़ की वजह से वो मिले। तो मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ। इसका रेट कहाँ लिखा है, तुम मेंशन नहीं है कहीं पे। हाँ, ये है 298 का एस एम आर पी, 298 का। लेकिन ये मुझे आई थिंक डिस्काउंट में मिला था 256 के आसपास का। ये ऑब्वियसली क्योंकि इसमें पैड भी कम है और कॉस्टली है, और वो पैड भी इसमें ज़्यादा थे लेकिन वो कॉस्टली नहीं था। सो ये रहा एक्स्ट्रा लार्ज, इस पे इसलिए मैंने ऑर्डर करा है कि मुझे डबल पैड यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं था। सो आई थॉट कि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी, एज यू कैन सी कि देखने में तो बड़ी लग रही है, लेकिन मुझे टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है। सो ठीक है, अब देख सकते काफ़ी बड़ी है। ये देखिए, जो ये एक्स्ट्रा लार्ज है और ये एक्स्ट्रा प्लस है। सो ये रहा इसका साइज़ में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब जो मुझे डिफरेंस चाहिए था वो मुझे मिल गया इसमें। ये देखिए, ये इतना छोटा है एक्स्ट्रा लार्ज और ये एक्स्ट्रा प्लस है पीछे का। तो देख सकते हैं कि इसकी साइज़ काफ़ी बड़ा है, और जैसा ये सॉफ्ट है वैसा ही मटेरियल ये भी उतना ही सॉफ्ट है। और मुझे पैड में वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वो जो होता है, जो जिसकी थिक बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि ये बहुत मोटा है, मुझे बहुत थिन वाले पसंद आते हैं। तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये आपको बिल्कुल भी रैशेस नहीं देंगे ये वाले। और जो विस्पर का ग्रीन कलर के पैकेट्स आते हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास 50 या 60 के आसपास पड़े हुए थे डिलीवरी से पहले के, वो थे तो मैंने अपने मेड को दे दिया ले जाने के लिए, क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि एक तो उनके साइज़ भी छोटे थे और मैं कंफर्टेबल नहीं थी उसमें, और ये था कि उससे ना मेरे को रैशेस हो रहे थे। और कहते हैं ना कि डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, तो वो चेंजेस उसमें ज़्यादा थे, इस वजह से वो मैंने दे दिया। लेकिन ये इतना सॉफ्ट है, ये कंफर्म है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मैं पहले यूज़ करने लग गई थी डिलीवरी से कुछ दिन पहले, तो ये मुझे बहुत सही लगा। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है और जो डबल पैड यूज़ नहीं करना चाहते, और मैं आपको बता देती हूँ डबल पैड यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़े पहले, आप ये दोनों पैड को एक साथ ऐसे नहीं रखते हैं क्योंकि वो मोटा हो जाता है, आपको थोड़ा ऐसे रखना है इस तरीके से, तो जो इसकी साइज़ है वो बढ़ जाती है। सो मैंने इसलिए ही एक्स्ट्रा लार्ज ले लिया था कि मुझे डबल करने की जरूरत ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ कितना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा लार्ज प्लस का साइज़ ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। और ये मुझे ऐसा फील होता है
ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है तो फिर ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत अच्छी है। इसमें एक जो ऑर्डर होता है, जो मतलब स्मेल आती है पीरियड्स के टाइम में, वो बिल्कुल नहीं आती है। किसी किसी पैड में होती है जो आती है, लेकिन इसमें नहीं आती। बहुत ही फ्लावरी स्मेल है, बहुत सॉफ्ट है। और अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ये कहूँगी कि आप इसे ऑब्वियसली ट्राई करिए, एक्सलास प्लस ट्राई करिए अगर आप डिलीवरी हो गई है तो आपकी, एक्सलास प्लस वो ट्राई करते हैं जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है, या फिर कह सकते हैं जो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर पैड छोटे हैं तो आप एडजस्ट करने में आपको बहुत दिक्कत होती है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा बड़े पैड में इन्वेस्ट करिए आफ्टर डिलीवरी, एटलीस्ट मैं कहूँगी। उससे पहले तो आपका मन है आप किसी भी तरीके का यूज़ कर सकती है। सो दिस इज़ माई मिनी रिव्यू अबाउट विस्पर एक्स्ट्रा लार्ज प्लस, सॉरी विस्पर एक्स्ट्रा लार्ज प्लस पैड्स। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।